सामीन से मैं सबसे पहले ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारा जो आज के सेशन जो बल्कि आदाब के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो अभी शुरू में जो इंट्रोडक्शन के अनिता ने सबका वेलकम किया, तो अभी पहला सेशन में मैं समझता हूँ कि असल में तो यहाँ पे चेयर पे एक ऐसा शख्स होना चाहिए था जो बल्कि अदब में पूरी तरह अबूर हासिल हो, और बल्कि अदब का जहाँ हम बात करने जा रहा है तो बल्कि ज़बान को ही अहमियत देना में मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी है। इसलिए मैं उर्दू या हिंदी में बात करने के बजाय तो मैं लद्दाखी में बात करूँगा। मीडिया के तौर पे हम उर्दू में ही बात करेंगे ताकि आपको डायरेक्ट आसानी हो जाएंगी, समझेंगे। ये शिगून की बात है, शिगून का बात जो है, जब बल्कि अदाब का हम बात करते हैं तो बल्कि ज़बान को ही हम अहमियत क्यों न देंगे, यह एक शिगून की बात है। इसलिए मैं पहला कुछ स्टैंजा जो है मैं बत्ती में तो मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं बत्ती की जगह पर लद्दाखी को इस्तेमाल मेहरबानी है। ये जो जैसे तोता हो सामने बल्कि रिगजू इसको लगा था समझ कर था बल्कि रिगजू को बल्कि अच्छा शरीर जख्म को करना ये छोड़ना कैसे सोचना समझा कैसे सोचना तेने इस पर होता सना 나타나 바티스 페라오 프랑스 페르나 청마상 앙땅페가 바티스 페라오 프랑스 진다고 주셔서 청마상 같은 대표야 예 시군 저차생의 스탠델 나타 바티스타나 나다스나 스탠델 저컴 마션 텍스처 चैंपियंस पर्सन अभी आपने मुझे ये शाल दिया हमारे मेहमानों का अवगत किया। हाँ, इस तरह हमारे अदब में, हमारे बल्तिस्तान के अदब में इस बात को बहुत ही अहमियत हासिल है कि किसी के इज़्ज़त, बुज़ुर्गों का इज़्ज़त करना, बच्चों का प्यार करना, समाज के साथ में अच्छी ताल्लुक़ात रखना, ये सारी बातें जो है हमारा कल्चर का जान ही समझ लीजिए वो है, इस तरह है। हाँ, तो इसलिए मैं शुरू में ज़्यादा बातें ना करते हुए आज के सेशन का सबसे पहला जो है हमारा मास्टर इब्राहिम साहब है, उन्होंने ईरान और सेंट्रल एशिया और बल्तिस्तान के बारे में और इसके मजहबी तौर पर, लिटरेचर के तौर पर, कल्चर के तौर पर क्या क्या असरात एक दूसरे के आपस में हैं उसके बारे में बताएंगे। ये सबसे पहले मैं मास्टर इब्राहिम को करूँगा कि वो अपना कविता जी दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमान फनी शेख साहब, सादिक खदासी साहब और दीगर मेहमानों में ग्रामी अस्सलाम वालेकुम, जुले नमस्ते। सिलसिला कोहे कराकोरम और हमालिया के दरमियान दरिया सिंध के पहलू में 10,118 मुरबा मील पर फैला हुआ एक पुरसकून और सरसब्स-ए-शादाब खित्ता वाक़या है जिसे मुकामी तौर पर बल्ती यूल्ड कहा जाता है और बल्तिस्तान इसका फारसी तर्जुमा है। तारीख में सबसे पहले इसका जिक्र सिकंदर अज़म के एक जनरल और मौरिख बतालमोस ने बाल्टे से किया है और कदीम चीनी सयाहों ने पोलोर से मौसूम किया है, जबकि तिब्बत वाले इसे नंगोन भी कहते हैं। किसी ज़माने में इसे तिब्बत खुर्द के नाम से भी याद करते थे। कुछ लोगों ने इस इलाके का नाम सूरी बोतान लिखा है जिसका तर्जुमा तारीख़ अदबियात में खोबानियों का सरजमीन कहा जाता है। बल्तिस्तान के कुछ मौरिख इससे कतई गलत कहता है, जबकि हिंदू आर्याई लफ्ज़ सूरी मानी सूरज और फारसी लफ्ज़ बदान यानी बुद्ध मत को मानने वालों का मुरकब है। जोग्राफियाई लिहाज से ये इलाका स्कर्दू, खबलो शीगर, खरमा, रोमयूल, गोलतरी और छोटबड़ की वादियों पर मुश्तमिल है, जिसकी राजधानी हमेशा से अस्कर्दू रही है। बल्तिस्तान अपने महलवकू के लिहाज से खुसूसी दिफाई अहमियत का हामिल है। इसके जनूब में वादी कश्मीर, मशरिक़ में लेह, लद्दाख, करगिल, मगरिब में गिलगित और यामर की वादियाँ हैं। शिमाल में कोह कराकोरम के फरकपोश और बर्फपोश सिलसिला बल्तिस्तान को चीनी सूबा सिंकिया से जुदा करती है। दुनिया की मशहूर बर्फानी चोटी छोरी यानी केटू इस इलाके में वाक़ है, जो 28,250 फुट बुलंद है। बल्तिस्तान के इलाका सतह समंदर से 7,500 और 8,500 फीट बुलंदियों पर वाक़ है, जहाँ की आबो हवा मजमूई तौर पर सर्द खुश्क है। बाहर के मौसम में बारिश शाद और नादिर ही होती है, लेकिन मौसम सरमा में बर्फ़ काफ़ी होती है। गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा चढ़ जाती है। सन 1981 की मरदमशुमारी के मुताबिक बल्तिस्तान की कुल आबादी 22,294 नफूस पर मुश्तमिल हैं। इस इलाके के तकरीबन 95% लोग बल्खी ज़बान बोलते हैं। बाकी शीना और कश्मीरी केटू छोरी के अलावा मशबरूम, गशबरूम, बड़ा पैक हैं। कोह कराकोरम के सिलसिले में कम व बेश 40 छोटे बड़े ग्लेशियर गिने जाते हैं। दुनिया की शोहरत याफ्ता सियाचन ग्लेशियर पाक भारत के सरहद और बुलंद तरीन महाज जंग है। बाकी ग्लेशियरों में भलतरो, ब्याफू, छोलुंग, बिलाफू और छोलुमा काबिल जिक्र हैं। बल्तिस्तान में साफ और शफाफ झील, झील कचूरा, जोत्सो, शंगरीला झील, सतपारा झील, जरबाछो, जर्सीसो वगैरह हैं। दरिया सिंध, जिसे मुकामी जुबान में सिंगे खबब कहा जाता है, तिब्बत के झील मानसरोवर से निकलकर बल्तिस्तान के इलाका से गुजरता है। दरिया शयोक वगैरह भी स्कर्दों के मुकाम पर दरिया सिंध में जा मिलता है। दरिया शयोक, दरिया सुरू, दरिया द्रास, दरिया सियाचन वगैरह इसके माउन दरिया हैं। इन दरियाओं के दाएं बाएं बल्दियों के गांव आबाद हैं। नंबर 2 पे मेरा जो टॉपिक है वो है मजहब। बल्तिस्तान की 100% आबादी मुसलमान है, जो शिया, इस्ना अशरिया, सोफिया नूरबख्शिया यानी मुक़ल्लिदीन हज़रत सैयद मोहम्मद नूरबख्श, अहले सुन्नत और अहले हदीस फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं। इस्लाम से पहले बल्तिस्तान वाले बुद्ध मत के पैरोकार थे। यहाँ इससे पहले देवी और देवताओं को भी पूजते थे, जो लिंग किसर के दोनों हुकूमत में राइज थे। मुकामी जुबान में इसे बुनछोस कहते हैं। 14वीं सदी ईस्वी में ईरानी मुबल्लिगीन के ज़रिए ये इलाका इस्लाम की तालीमात से मुनव्वर हुआ। मौरिख हज़रात इस इलाके में इशाअत इस्लाम को हज़रत अमीर कबीर सैयद हमदानी से मंसूब करते हैं। चूँकि आप 1379 हिजरी में दूसरी बार जब कश्मीर तशरीफ़ लाए, तो इस दौरान आप रास्ते जोजिला वाइट बल्तिस्तान हुए, शरीफ तामीर कराए, जिनमें मस्जिद अम्बुडिक, मस्जिद 6 बुरुंजी और मस्जिद शरीफ चपचन खबलू तामीर कराई। हज़रत सैयद मोहम्मद नूरबख्श रहमतुल्लाह अलैह की किताब शजरुल औला में उन्होंने वजाहत की है कि हज़रत अमीर कबीर तिब्बत और तुर्किस्तान तशरीफ ले गए। यहाँ तिब्बत से मुराद तिब्बत खुर्द यानी बल्तिस्तान है। इसके अलावा आम रिवाज में भी हज़रत अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह बल्तिस्तान तशरीफ़ लाने का तस्दीक होती है, जिसका जीता जागता सबूत टक्षी गाँव में हज़रत अमीर कबीर के कदम का, जहाँ पर आप तशरीफ़ रखे थे, मस्जिद शरीफ तामीर है। हज़रत अमीर कबीर सईद अली हमदानी ही पहले दाई है, जिन्होंने बर्नफ से नवीज बल्तिस्तान का दौरा करके इस्लाम की तबलीग की। बल्तिस्तान के गिरजनवा में भी यानी गिलगित नगेर हुंजा में स्कर्दों के राजा मकपोन ने रफ्ता रफ्ता अपने मुल्लाओं के जरिए इस्लाम फैलाया। बाद आज़म हज़रत सैयद मोहम्मद नूरबख्श मीर शमसुद्दीन इराकी ने बल्तिस्तान के हर छोटे बड़े गाँव में इस्लाम की तालीम व तरबियत में अहम रोल अदा किया। माशरत व तहजीरें मुख्तलिफ खूबियों के हामिल सरजमीन बल्तिस्तान के अंदर एक मुतमद्दन कौम आबाद है, जिसकी तहजीब व तमद्दन हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ की सकाफत और रिवायत बड़ी दिलनशीन है। यहाँ के लोग जितने सीधे सादे हैं, उतना ही यहाँ के बाशिंदे का मिजाज लतीफ़ है। दुश्मनों के लिए ये लोग नरम गुदाज है, इतनी ही दुश्मनों के लिए चट्टान से भी ज़्यादा सख्त है। और फिर आम में जहाँ के इलाके को बल्तियूल कहते हैं, जिसका फारसी तर्जुमा बल्तिस्तान है। बल्तिस्तान में दूसरी अक़वाम की निस्बत तहजीबी असरात ज़्यादा पुरलुत्फ़ पाए जाते हैं, जिनमें ईरानी, कश्मीरी, मुग़ली, तिब्बती और तुर्की अक़वाम के असरात का कम अवेश सुराग मिलता है। यहाँ के माशरती अदाब व तहजीब मुनफरिद अंदाज के हामिल हैं। बल्तिस्तान के माशरते इंतहाई जफाकश, मेहनती, जन्नतदार, शरीफ और मेहमान नवाज हैं। यहाँ के माशरे में कत्ल व गैरत गिरी का नाम ही नहीं, बल्कि ये लोग अमन सुकून और सलामती के गहवारा है। चाहे मसलक और जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हो, एक दूसरे के दुख दर्द में बराबर के शरीक होते हैं। बल्तिस्तान के लोग फूलों के शौकीन हैं, रक्स और मौसीकी के दिलदादा और जंगजू के परदादा है। पोलो यहाँ का कौमी खेल है। सब्र तहमुल इनकी फितरत है। बल्ती माशरे में बच्चे के मौलूद पर कान में आज़ान देते हैं। शादी के मौक़ों पर हमद व नात व मुनक़बत खुशियों की रौनक को दोबारा करते हैं, और कहीं कहीं रक्स व मौसीकी के साथ शादी ब्याह के खुशी मनाते हैं। पुराने ज़माने में तन्मो यानी मौसीकी के रिवाज बहुत ज़्यादा थे, अब कदरे कम हुआ है। शादियों में इस्तिताअत से ज़्यादा खर्चा करने को फ़ख्र समझते हैं। बल्तिस्तान में मुकामी जंतरी का भी मुरवज है, जिसमें बल्ती ज़ुबान में लोस्कोर कहते हैं। इस जंतरी में 12 साल का दौरा होता है। नंबर 1 चूहा बेलो, नंबर 2 बेल लावलो, नंबर 3 चीता तगलो, नंबर 4 खरगोश रेवलो, नंबर 5 अतजहा ध्रुलो, नंबर 6 सांप गुल्लो, नंबर 7 घोड़ा तलो, नंबर 8 बेड़ लुगलो, नंबर 9 लंगूर शरीलो, नंबर 10 चिड़िया येलो, नंबर 11 कुत्ता शिरो, और नंबर 12 सूर भालो। बल्तिस्तान भर में 21 मार्च को नई साल के तौर पर मनाया जाता है। पुराने ज़माने में इस दिन अंडे को रंग करा के अंडा तोड़ने का मुकाबला होता था, और इस दिन को नौरोज के नाम से याद करते हैं। और बाहर आने का खुशियाँ मनाते हैं। और राजा महाराजा मुकामी पोलो ग्राउंड में बड़ी धूमधाम से पोलो का मैच एहतमाम करते थे। आज भी ये रिवाज बल्तिस्तान भर में है। आज़ाद इलाका तुर्तुक में इस पोलो मैच को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ के मुकामी उस्ताद यानी मौसीकार सुनने और दमन के जरिए लोगों के दिल लुभाते हैं। बल्तिस्तान के फन मौसीकी में अगर तुर्तुक को मौसीकी का मनमा कहा जाए तो बेजा न होगा। उस्ताद मोहम्मद, उस्ताद रोजी, उस्ताद हसन और आजकल के उस्ताद हमीद काबिल जिक्र और काबिल तारीफ के हामिल हैं। बल्तिस्तान के राजा अली शेर खान अंचन के रासाई मुगल दरबार से हुई तो दिल्ली से बढ़ाई, मिस्त्री, मेमार, जुल्हा, लोहार, जरगर, मोची वगैरह के फन यहाँ लाए। यही वजह है कि बल्तिस्तान के तर्ज-ए तामीर पर मुगलों का बड़ा असर है, जो यहाँ के खानकाहों, इमाम बारगाहों और पुराने किलों में देख सकते हैं। इसके अलावा मौसीकी और इसके आलात का इस्तेमाल सीखने के लिए बल्तिस्तान से नक्काशियों का एक वक्त दिल्ली भेजा। उन्होंने वहाँ से मुख्तलिफ हरीफ सीख कर वापस आए। हुनरमंद बुजुर्गों के कहने के मुताबिक बल्तिस्तान में मुलवजा हरीफ की तादाद 60 है। बल्तिस्तान के खान पान कुछ यूँ हैं। नमकीन चाय के साथ रोटी, जिसमें देसी मक्खन डालकर खाया जाता है। यहाँ के मरगूब खानों का फहरिस्त यूँ है: जान, बले, रकू, चपुर, किसिर, सहमी जाना मार, भूसी बले, फुरबा, धंगस, शस्पा, काली बले वगैरह वगैरह। बल्ती लोग अपने कपड़े ऊन से खुद बुनते और पहनते हैं। जूतों की जगह लकड़ी का एक ख़ास किस्म की बूटी तस्मा, रेशम और चमड़े से बनाए हुए जूते पहनते थे। बल्तिस्तान में अब स्कर्दों के मुकाम पर डिग्री कॉलेज और एक इंटरमीडिएट कॉलेज फॉर वुमेन है और हर वादी में हाई स्कूलों के अलावा मिडिल और प्राइमरी स्कूलों का जाल बिछा हुआ है। फन तामीर बल्तिस्तान की दूर दूर माशरे और उनके तहजीब व तमद्दुन को जानने के लिए हमें उनकी फन तामीर से भी मदद मिलती है। इन इमारतों में आसार कदीमा एक ऐसा आईना है जिसमें इनकी फनी कारनामों की तस्वीरें यकजा नजर आती है। इन तामीरी यादगारों की तादाद बहुत है। इनमें हर किस्म के दस्तकारों और कारीगरों ने काम किया। अलबत्ता इन की सरपरस्ती राजाओं की ही रही। बल्तिस्तान की सैकड़ों मसाजिद, खानकाहें, किले, मकबरे, इमाम बारगाहें और मकानात मुहक्किकीन के तवज्जो का मरकज बना रहा। इन कदीम तरीन तामीरात में मस्जिदें चकचन खबलो, खानका खबलो, खानका थगस, खानका केरिस, मकबरा मीर मुख्तार, मकबरा आरिफ हुसैनी थगस, मस्जिद अम्बुड़ी, मस्जिद ब्रूंजी, शीगर खानका गासी वगैरह काबिले जिक्र है। मुहक्किकीन के मुतफिका राय के मुताबिक बल्तिस्तान के ज़्यादातर लोग मंगोल नस्ल की शाह हैं और तिब्बती नस्ल से हैं, क्योंकि तिब्बती और मंगोल एक ही नस्ल की दो शाखें हैं। अलबत्ता बल्तियों के खदोखाल तिब्बती और लद्दाख के लोगों से कदर मुख्तलिफ है, क्योंकि इनमें वक्तन बवक्तन तुर्की कबाइल विशाल के यशकंद से आकर आबाद हुए थे। बल्तिस्तान के मौजूदा आबादी में तकरीबन 95% लोग खालिश बल्ती बोलते हैं, जिनमें तकरीबन 88% लोग तिब्बतियों से मिलता है। इनमें मकपोन, यब्बो, अमाचा, सईद, वृशस, यशकंद, कोम और कश्मीरी खानदान के लोग शामिल हैं जो नस्लन आरियाई, तुर्की, ईरानी और कश्मीरी हैं। अलबत्ता लासानी एतबार से उनकी कौमियत गलती है।